दिवाली खत्म हो गई, छठ खत्म हो गया, लेकिन अकोड़ी गोला के सड़कों पर ट्रैफिक जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन अकोड़ी गोला की सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से यहाँ की जनता, यहाँ के रहवासी काफ़ी परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स पर। चलिए हम एक दुकानदार भाई के जबानी सुनते हैं कि वो कितने परेशान हैं यहाँ के ट्रैफिक से। नहीं, नाराज हम लोग नहीं है सर, बात है कि महाजन जो है तो महाजन के लिए सोचना है ना, अगर बिक्री नहीं होगा तो फिर तो घर से फिर देना होना होगा ना, तो इसीलिए भाई अब उसके हम सलाह ये है कि देखते हैं भाई रोड पर जाम भी हो जाता है, जाम हो जाता है तो बिक्री तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम सोचते हैं इसके बारे में कुछ हम लोग क्या कैसा रोड का जाम होता है, पूरा गाड़ी से जाम हो जाता है सर। ये सही बात उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पुल है ये गाड़ियों से जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। मैंने भी यहाँ पर देखा है कि रोज कम से कम एक बार दो बार तो ट्रैफिक जाम होता ही होता है ये गोला पर, और इसका कोई भी निदान सोच नहीं रहा है। यहाँ की प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ की पब्लिक के, यहाँ के दुकानदारों को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के प्रशासन से, अगर देख रहे होंगे तो इन दुकानदारों की तकलीफ समझिए, यहाँ के रहने वाले पब्लिक की तकलीफ समझिए। यहाँ पर रोज का रोज ट्रैफिक जाम हो जा रहा है और दुकानदारों की दुकानदारी बहुत ठप हो जाती है। कहने को तो अकोड़ी गोला एक छोटा सा बाजार है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 90 गाँव के लोग बाजार करने आते हैं। काफ़ी भीड़ हो जाती है इस बाज़ार में, और यहाँ की सड़कें काफ़ी कंजस्टेड है, संकीर्ण है, जगह कम पड़ जाती है, एक गाड़ी इधर की उधर हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम हो जाती है। रोज का रोज दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल दुनियादारी एक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।